हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक जो है वो नो कांटेक्ट के ऊपर है, और ये है टॉपिक कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, आपके पार्टनर और आपके बीच में बातें बिल्कुल बंद है, तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर जो है नो कांटेक्ट में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर उनके दिल में क्या चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप जानना चाहते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर जो है आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग्स उनकी है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त वो, तो ये रीडिंग जो है आप ही के लिए है। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्कीप कर दीजिए। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। ओके डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है नो कांटेक्ट में इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं नो कांटेक्ट में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो डियर, यहाँ पर आपके प्रपोजल को लेके कुछ बात चल रही है, कोई हो सकता है आपने कोई कमिटमेंट किया हो या इस पार्टनर ने कोई कमिटमेंट किया हो, वो वाली कोई सिचुएशन यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कमिटमेंट को लेकर कोई इश्यू यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एक कार्ड और आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो डियर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताएं कि नो कांटेक्ट में इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एक कार्ड आया है, चलिए नो कांटेक्ट में इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें और बताएं कि क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके डियर, तो यहां पर इतने कार्ड्स आए हैं और निकालते हैं नो कांटेक्ट में वो क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। चलिए, इतने ही कार्ड्स आने थे तो इतने ही कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड मैं ले नहीं रही थी, फिर भी ये देखिए निकल के आ ही गया है ना, जबरदस्ती। पेज की एनर्जी दिखाई दे रही है, पेज पेज। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की कुछ फीलिंग्स है, और डियर टेम्परेंस है यहाँ से, हमारे पास में टेम्परेंस का कार्ड भी है, और यहाँ से एट ऑफ वॉन्ड्स है, और डियर यहाँ से है एट ऑफ सोर्स की एनर्जी। आपको दिख रहा है एट ऑफ सोर्स, बॉटम की एनर्जी है ये, ठीक है। यहाँ से है टू ऑफ पेंटिकल्स, ये बॉटम की एनर्जी को भी हमने यहाँ पर ले लिया है। बात करी जाए कि अभी नो कांटेक्ट में, देखिए आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, वो इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है इस नो कांटेक्ट में इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। क्या वो आपको प्यार देना चाहते हैं, क्या वो आपको लव करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो। तो डियर यहाँ पर कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, कार्ड बता रहे हैं कि दिल के बहुत करीब हैं आप उनके। आप जो हैं मेरे व्यूवर्स, आप अपने पार्टनर के दिल के इतने करीब हो कि ये पार्टनर आपको भूल ही नहीं पाता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है प्यार छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर के जो जज्बात हैं, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, आपके पार्टनर के दिल में जो ज्वेलसी है, वो छुपा रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, वो आपको दिखाना नहीं चाहते। अगर वो आपको दिखाते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये कहीं आप गलत ना समझ लें या इन पर हंसे नहीं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। साइन की बात करें जाए तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है,
एरीज लियो सेजिटेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, ये साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है डियर। और यहाँ पर एक चीज और दिखाई दे रही है कि पार्टनर जो हैं भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। हो सकता है कि आप जब भी इस पार्टनर से बात करते हो या बात करने की कोशिश करते हैं तो ये पार्टनर जो है भाग जाते हैं। तो किसी तरह की यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपसे दूर जाने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं आजकल ये पार्टनर। पार्टनर की सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि ये पार्टनर ना आपको छोड़ पा रहा है ना आपको पकड़ पा रहा है। भाई तो करे तो क्या करे, मतलब ऐसे हाल हो गई है कि ये पार्टनर जो है आपको बता भी नहीं पा रहे और आपके बिना रह भी नहीं पा रहे कि करना क्या है। तो बीच मझधार में अटके हुए हैं आपके पार्टनर। इस पार्टनर को बर्डन हो रहा है, इस पार्टनर को तकलीफ हो रही है, इसलिए क्योंकि ये छोड़ तो पा नहीं रहे आपको, छोड़ नहीं पाएंगे। इनको अच्छे से पता है कि ये पार्टनर आपको नहीं छोड़ सकता और इनको ये पता है कि ये आपको पकड़ के भी नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो इशू ऐसा है जहां पर ये पार्टनर इस कदर दम घुट रहा है। इस पार्टनर का इतना ज्यादा तकलीफ इनको हो रही है, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पार्टनर को यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एंजल्स जो है वो बता रहे हैं। और ये पार्टनर पर बहुत ज्यादा एक तरह से यू समझ लीजिए कि इनको एक समझाइश दी जा रही है, कहीं ना कहीं गाइडेंस के तौर पर कुछ ना कुछ इनके सामने लाया जा रहा है कि ये रिश्ता जो है इसे बनाए, कॉम्प्रोमाइज करना सिखाना चाहती है यूनिवर्स आपके पार्टनर को। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, कॉम्प्रोमाइज करने में एग्री नहीं होते हैं, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। गाइडेंस मिल रहा है आपके पार्टनर को यूनिवर्स से, डिवाइन से, जो तुम सब कुछ बिगाड़ के बैठे हुए हो ना उसे सही करो। यहाँ पर यूनिवर्स आपके पार्टनर को ये चीज कह रही है कि ये रिश्ता जो है, ये प्यार जो है, इसमें लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने सब कुछ बिगाड़ के रखा है, इसे सही करो। तो यहाँ पर घुट घुट के रह रहे हैं आपके पार्टनर, मगर माफी नहीं मांगेंगे, मगर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रपोज नहीं करेंगे। ये झुकने में इनको प्रॉब्लम है डियर, पर ये पार्टनर जो है ना कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है डियर। यहाँ पर यूनिवर्स तो चाहती है कि आपके पार्टनर जो है कॉम्प्रोमाइज कर लें, किसी तरह से सब कुछ अच्छा हो जाए, पर यहाँ पर ये नहीं मानेंगे। देखिए आपके पार्टनर के पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, खुशियां है, सब कुछ है, पर कहते ना कि प्यार की कमी है। तो यहाँ पर आपके जैसा प्यार करने वाला इनको नहीं मिल रहा है, उस चीज की यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा कमी है। आपके पार्टनर जो हैं बहुत सारे लोगों से घिरे रहते हैं, हो सकता है दोस्त यारों में घूमना फिरना, फिर भी अकेला अकेलापन उनको कभी ना कभी लगता ही है। ऐसा देखिए ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर जो है ना खुश नहीं है, अंदर से खुशियां टूट चुकी है या खुशियां दूर हो गई है। कोई बात दिल पर लग जाती है डियर आपके पार्टनर के, तो क्या होता है कि ये लेके बैठे रहते हैं, घंटों सालों बैठे रहेंगे वो बात को लेकर, लेकिन जब आप कुछ बोल दें तो उस बात के लिए तो नाराज हो जाते हैं जरा से में, कोई बात दिल पर लगा कर बैठ जाते हैं। ये सब फेस कर रहे हैं डियर आपके पार्टनर। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर को ट्रिगर मिल रहा है, कुछ ना कुछ इसको सीखने को मिल रहा है। और देखिए आपके पार्टनर को फील हो रहा है आपका लव पास्ट लाइफ कनेक्शन जो है वो फील करते हैं ये पार्टनर। और हम दोनों बात बात पर लड़ते हैं, हम दोनों बात बात पे झगड़ते हैं, फिर भी हम लोग एक दूसरे से दूर नहीं होते, ना ही वो मुझे छोड़ पाती है ना ही मैं इसे छोड़ पाता हूँ। तो यार हम दोनों में कोई तो ऐसी बात होगी ना, कोई तो कनेक्शन ऐसा होगा ना कि जिसके लिए हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत बहुत अच्छी लगती है। और डियर यहाँ बात करी जाए कि पार्टनर की और फीलिंग्स क्या है, ये इस वक्त क्या सोच रहे हैं, तो डियर ये बहुत ज्यादा आपको स्पाई करने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको किसी तरह का प्रपोजल देना चाहते हैं, पर इनमैच्योर वाली एनर्जी है ना, अपना ईगो हर्ट नहीं कर सकते, इस रिश्ते पे काम करना है, आपसे किसी तरह की वार्तालाप करनी है, किसी तरह की बात करनी है, पर कैसे करे, बस ईगो बीच में आ रहा है। और यहाँ पर जगलिंग भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, कुछ चीजों को लेकर कुछ चीजों में उलझे हुए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। ओके,
तो डियर ये है आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में फीलिंग्स, और आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ रेजोनेट करा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू लिखना बिल्कुल ना भूलिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, बहुत सारा प्यार मिल रहा है आपका, बहुत सारा, बहुत सारे लोग हमारे साथ में डेली जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि मेरा जो वीडियो है थर्ड पार्टी डेली अपडेट काफी लोगों को बहुत पसंद है, और बहुत सारे लोग तो उस वीडियोस के साथ में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं।